चाय को लेके मजाक नहीं, चाय को लेके मजाक नहीं ब्रो, मजाक सेट की। चाय क्या मैडम, आपके लिए तो जान हाजिर है। तो दे दो। राम राम जी भाई लोग, आज फिर से एक और कमाल की वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। भाई लोग, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं जो बिग बॉस 17 की उसकी छोटी छोटी क्लिप, और आप लोग इसको बोल सकते हो द मीम, द बॉयज मीम्स। वाओ, ब्यूटीफुल, या थग लाइफ मीम्स या फिर मीम्स, फनी मीम्स खुद ही बोल सकते हो यार। चलो देखते हैं भाई इसके अंदर क्या झोलझाल है। और इसको भाई किसी ने नहीं भेजा, इसको खुद खोजे हम लोग और आप लोग सामने प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो इसको फटाफट से हम लोग देखना चालू करते हैं। तो करना भाई, यही हम बोले बेटा, मेरा सिस्टम में साउंड कम कहा जा रहा है, हमको अभी समझ आया, मेरा यहीं से पावर कम था यार। है आया आया, चलो चलो शुरू करते हैं। मलाइका पुरानी होगी, अब पकड़ो मनीषा को भाई, गजब भाई गजब। ये प्रो भाई, प्रो भाई इसको बोलते हैं अपना काम से बहुत डेडिकेटेड पीपल। भाई मलाइका मुलाइका पुरानी होगी, अब चलो यार मनीषा से फुटेज मिलेगा, चलो यार मनीषा के पास चलो। मनीषा नाम भाई भाई, ब्रो बेस्ट है बेस्ट। एक सेकंड सारी उम्र भाई ये चीज बाबू भैया के लिए यूज होता है। हाँ एक मिनट, एक तो भाई मजाक से हटके एक बात बोल रहे भाई कि अगर भाई बिग बॉस जो अभी ये क्या हो गया, हाँ बिग बॉस भाई जो अभी चल रहा था उसमें भाई अनुराग भाई को निकाला गया, ठीक है। अनुराग मतलब अपना बाबू भैया भाई, आप लोग बहुत जान कमेंट कर रहे थे मेरे को कि भाई क्या खेला तुम, तो उसको ये बोलता रहा फिर भी तुम क्यों लिखा। भाई एक चीज भाई ठीक है, मजाक मस्ती का अपने जगह, दिल से मेरा उससे कोई हेट नहीं है भाई, क्यों हेट रहेगा, मैं मिला नहीं हूं यार, ना कोई अपना है तो क्यों हेट रहेगा। बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा भाई। छपरी छुपरी क्या भाई, मजाक में बोल रहे थे, सीरियसली कुछ नहीं था, बस हवा निकल गई। पर जो हिसाब से बिग बॉस वालों ने घर के सदस्य के साथ मिलके जो खेला किया उसके साथ की बेकार में उसको निकाल दिया गया भाई, उससे मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगा, बहुत ज्यादा हर्ट हुआ कि भाई गलत बात है ये, मेरे नजर में बहुत गलत बात है कि भाई ये चीज नहीं होना चाहिए था यार। तुम वोट के बेसिस पे निकालते, कोई गेम नहीं करता तब निकालते, पर नहीं दो जन बोल दिया तो निकाल दिया भाई, ये चीज मेरे को बहुत गलत लगा। तो इसके लिए हम लोग बिग बॉस के बहुत ज्यादा खिलाफ है भाई, तो क्या करूं यार, सब अधेड़ सब है, अधेड़ उम्र का आदमी सब है यार, लोग का अपना जीतना चाहिए, मेन खेला यही है। तो स्टार्टिंग में इसने बोल दिया था हाँ मैं पूरा पार्सल रहूंगा, ये रहूंगा वो रहूंगा, तो हटाओ यार। मैंने बिग बॉस को कुछ भी सीरीज फॉलो नहीं किया, इसलिए आप लोग तक रोश नहीं आया। और एक चीज भाई, नहीं फॉलो करने का भाई टाइम नहीं था, और एक मेन चीज की कोई फेवरेट नहीं था इसमें, तो इसलिए मैंने नहीं किया। पर बाबू भैया हमारे यूट्यूबर थे। और एक चीज की रही बात छपरी छुपरी भाई, ये सबसे अपना मजाक चलते रहता है, ठीक है। तो ये चीज को यूट्यूब का कंट्रोवर्सी को कभी ज्यादा सीरियसली नहीं लेने का, ठीक है। कभी भी ज्यादा माइंड में चढ़ के इसको सुकाली नहीं बकने का यार, ये सब नॉर्मल है, नॉर्मल। कुछ बंदे का मैंने वीडियो देखा, जैसे एल्विस भाई का भी मैंने वीडियो देखा, उसमें उन्होंने भी बताया कि ये खेला था भाई, तो वो चीज से मेरे को बुरा लगा, ठीक है। क्योंकि भाई वोट के बेसिस पे उसको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तो इसके लिए हो सकता है मुनावर को जिताने के लिए उन्होंने खेला किया होगा, तो छोड़ो यार नाम किसका ले लिया है, मुनावर तू जय श्री राम, भगवान शांति दो यार, बेकार आदमी लोगों का नाम नहीं लेने का। पर हाँ वो छपरे को जिताने के लिए किया होगा, ठीक है। If there is any one addiction, जैसे अगर social media हो या phone हो, क्या आपको ऐसा कोई भी addiction है? Interviews देने का मुझे बहुत शौक है। भाइयों सलमान भाई, ये भाई ऐसे तुम पूछ रहे हो भाई, उनको addiction एक अलग चीज के लिए लेके उनको troll किया जा रहा है भाई, मजाक बोलो मजाक। I'm really addicted to giving interviews. Savage reply, savage. What is the first thing that you do when you wake up? Because Big Boss के घर में तुम music से उठते हैं, तो आप सबसे पहले उठकर क्या करते?
मैं सबसे पहले उठ के इंटरव्यूज देता हूँ मैं. ओके 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 ब्रो बेश सर बेश. Then I want to know what is your favorite dish? आपको सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है? आपका दिमाग. Oh, तीन bro. Reporter zero. Salman bhai तीन. Oh bhai गजब. बिग बॉस के घर में रहेंगे तो ट्रैवल करना पॉसिबल ही नहीं है. हमारा प्लेटफॉर्म इज अबाउट ट्रैवलिंग. तो आपको ट्रैवलिंग का शौक है? नहीं, मेरे मुझे तो एक ही शौक है. मैंने आपसे कहा था ना इंटरव्यूज का. चार ब्रो, चार सलमान भाई, चार रिपोर्टर जीरो और दो बॉल बचा है. गर्ल्स रिपोर्टर टॉक आउट. रिपोर्टर बोली नहीं और दो बोल हमको नहीं करना भाई. चार से सलमान भाई जीत गए भाई. रिपोर्टर वर्सेस सलमान खान में विनर इज सलमान खान. ओ भाई मजा आ गया यार. चाय और अच्छा खाना कभी मत बनाओ, ये तो रोज बनाना पड़ेगा आप लोगों को. इसे जब भी चाय बनाओ चाय में चीनी या चाय पत्ती ज्यादा डाल दो. खाना बनाओ उसमें नमक. भाई 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 ये दीदी का बात नहीं सुनने का यार. खाना सब मजाक नहीं होता यार. क्यों पर चाय ऐसा मिलना चाहिए भाई, चाय ऐसा मिलना चाहिए मजा आ जाए. अच्छा बनाओ, क्यों नहीं बनाओ यार. पर साला रोज नहीं बनाना पड़े इसके लिए गंदा बनाओ चाय. चाय को लेकर मजा बट बेकार आदमी से हटा. ताकि आपकी परमानेंट छुट्टी हो जाए घर के काम से. अगर ऐसा परमानेंट छुट्टी हो तो लात मार के भगा दिया जाए भाई. बेस्ट रहेगा ये हमेशा. अगर परमानेंट छुट्टी ब्रो, छुट्टी नहीं चाहिए परमानेंट छुट्टी बट बेस्ट. चाय को लेके मजाक नहीं, चाय को लेके मजाक नहीं ब्रो. मजाक सेट की क्या खाने में क्या पसंद है आपको? गू खा लिया मैंने रोटी. क्या रोटी में क्या पसंद है? क्या खाते हो? सालन वगैरह? इतनी महंगाई हो गई कुछ खाने को दिल ही नहीं करता कि पैसा क्यों खर्चे. और भाई हैं आपके? हाँ एक मुझसे छोटा है. वो क्या करते हैं? वो पढ़ता है. आप पढ़ा रहे हैं उसे? हाँ जी. मैं कह मेरी तो जिंदगी खराब होगी उसकी तो ना होना. तो आप शरारत नहीं करते? तो बहुत छोटे से हो तो शरारतें क्यों नहीं करते? बात सही है कहीं भाई. बात सही है, बच्चा बात सही बोला भाई. बच्चा है पर दिखने में यहाँ से बड़ा हो गया. सही बात. तो थे है, नहीं है क्या बोले यार. छोड़ो बेटा मर ब्रो. कैसा करोगे वैसा मारोगे भाई. वही खेला है सब, वही है जो है. एक चाय देना प्लीज. चाय क्या मैडम, आपके लिए तो जान हाजिर है. वाओ ब्यूटीफुल. चीनी थोड़ी कम कर दे. आपके होंठों से लगकर खूब मीठी हो जाएगी. ओ नॉट बैड, नॉट बैड. नाउ यू. नॉट बैड, नाउ यू. एक मिनट मेरे को थोड़ा सेट होने दीजिए. हाँ जी मैडम. एक चाय देना भैया. सारी उम्र जोकर रो भाई. ये जोकर वाला मीम्स ब्रो, जोकर मीम्स भाई भाई. कल एक बंदा के बाबू भैया भी देखा गया था भाई, बहुत खतरनाक वाला गया था. ठीक है चलो. मैडम आपने डायलॉग खराब बोल दिया है, मूड भी खराब कर दिया आपने. अच्छा ठीक है एक और ट्राई जी. एक चाय देना प्लीज. चाय क्या, आपके लिए तो जान भी हाजिर है. तो दे दो. मौका मिल गया बंदे को यार, और कुछ नहीं.
बेस्ट भाई, बंदा का स्ट्रगल देखा गया भाई मजाक सेट के, बेस्ट था भाई, बेस्ट बंदा, बेस्ट ऑन टॉप ब्रो, ऑन टॉप ऑलवेज ब्रो। सही बात बोले, कोई भी आए कोई भी जाए, बूमर बांग एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा भाई, कोई नहीं आने वाला उसके ऊपर। इट्स एन ऑनर। आप बिग बॉस देखते हैं कि नहीं? देखता हूं लेकिन मेरा नजरिया बिग बॉस को लेके थोड़ा हटके है। अच्छा, हाँ जी, म्यूट करके जब भी बिग बॉस देखता हूँ मैं म्यूट करके देखता हूँ। नसे है सारे ब्रो, बंदा ने अपने कुछ बना के लाया था भाई, वो पेस किया भाई, इसको बोले भाई टैलेंट ब्रो, टैलेंट। कैसे जो है पूरे टीम को कंट्रोल करना है, विकेट कीपर का एक बड़ा योगदान होता है, तो कितना बड़ा चुनौती है और किसको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं? महेंद्र सिंह धोनी। धोनी को क्या क्या अच्छा लगता है भाई? झारखंड में रहकर झारखंड का प्लेयर से तुम पूछ रहा है कि विकेट कीपिंग में तुम किसको अपना आइडल मानते हो, तो तुमको क्या लग रहा था कि कोई विदेशी को मानेगा? भाई झारखंड में रहकर पूछ रहे हैं क्यों यार, तुमको खुद दिमाग लगाना चाहिए भाई, एमएस धोनी के ऊपर कोई है क्या यार? एमएस धोनी ऑन टॉप भाई, ऑन टॉप यार, तो भी झारखंड में रहकर पूछ रहे हो यार। भाई झारखंड में किसी से भी पूछो भाई, किसका फैन है तुम भाई? एमएस धोनी छोड़ के बंदा और कोई बोलेगा नहीं पहली बात, तो कोई बोल भी दिया तो भाई वो गधा, या तो एमएस धोनी का खेलते हुए वो कभी देखा नहीं है उसको, मजाक चढ़ के बोला खेलते हुए कभी नहीं देखा होगा भाई, जब फ्लो में मारता था ना बंदा तो बार बार से सब बुलाया जाता था भाई। एमएस धोनी अनटोल्ड स्टोरी देख के नहीं बोला जा रहा है ये चीज, समझो ना भाई, गेम नहीं देखा भाई, गेम नहीं देखा, विकेट के पीछे से गेम बदला हुआ है भाई, मजा आ गया भाई। और एक मेन चीज है, एमएस धोनी से लेके एक रिलेटेड एक टॉपिक है मेरे पास भाई। मैं गया था भाई कोयम्बटूर, आपका साउथ में पड़ता है, वहां पे मेरा लेग का ऑपरेशन हुआ था, वहां पे बाजू वाला पेशेंट मेरे से पूछता है कहाँ से आए हो, मैं झारखंड बोला, वो बंदा बोलता है कहाँ वेयर, हम बोले रांची, तो उसने पता क्या बोला, एमएस धोनी, हम बोले या एमएस धोनी प्लेस। भाई झारखंड को एमएस धोनी का नाम से पहचाना जाता है, हम लोग का इंडिया में भी। ओ भाई बंदे का रॉक तुम समझो यार, समझो, बेस्ट सर, बेस्ट यार, बेस्ट, बंदा जो कर गया ना भाई, ना कोई ना कर पाए ऐसा। उनका उनका पीछे का पीछे रोटी है, कपड़ा है, मकान है। भाई ये बच्चा का वॉइस ना कान में चुभता है यार, मजाक से के कान में चुभता है यार, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा हिच के बोलता है, इसका पिक्स ना थोड़ा ऊपर नीचे है भाई, बहुत सारे लोग देखे चुभता है इसका वॉइस। इसका एक डायलॉग भी बार था जो पानी से नाय को लीवा आज बदलेगा ये वो, भाई पूरा कान में चुभता है भाई, मजाक सेट किया बच्चा को भाई, बहुत कान में चुभता है, पिक्स पर डाउन करके करना देखना पड़ेगा। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्ही से परिंदे का बड़ा आसमान है। वाह 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 वाह, तो घर में प्रतिपल राग है, पिता तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चू। भाई बंदा कुछ और बोला था, कुछ और वे मिल गया यार, गलत बात है यार, गलत बात है, बच्चा को लेके समझ आक नहीं यार, सही बात, भले वॉइस चुभता हो पर भाई भाई तो बच्चा ही नहीं यार। भाई ये ट्रेन वाला बहुत जबरदस्त वायरल जा रहा है भाई, भाई इंडियन ट्रेन अभी डांस का स्कूल बन गया है, कहीं भी बैठो कोई भी ट्रेन में बैठो डांस चल रहा होगा आगे पीछे। इंडियन रेलवे से ये अनुरोध है कि रीलर लोगों को पकड़ा जाए भाई, ट्रेन में आदमी शांति से बैठ के अपना कुछ काम कर रहा होता, सो रहा होता है, ये रीला लोग चालू रहते वहां पर भी, क्या है ये, क्या है? पब्लिक प्लेस को छोड़ो यार, पब्लिक प्लेस को छोड़ो, रियल लोग रील बनाना अपने घर के छत के ऊपर बनाओ, जैसे मैं बनाता हूँ यार, जाओ जाओ, जिन्होंने मेरा रील्स नहीं देखा जाओ यार, देखो देखो यार कितना खतरनाक मेहनत किए थे उसमें यार, देखते नहीं हुए आप लोग, जाओ देखो, मारो सर मारो सर मारो इस दीदी को, मारो सर यार, मारो इसके कपाल पर, फोड़ो इसके कपाल। क्या
क्या हुआ है? अरे हमने ये वाला और मारे, हमने ये वाला और ये वाला मार के हमने कर दिया खत्म। सिम्बा दिखाई नहीं दे रहे, रणवीर सिंह नहीं आए क्या? आपको मालूम है वो रणवीर सिंह क्यों नहीं आए? क्यों? क्योंकि दीपिका को भी किधर बाहर जाना था ना, तो दोनों के घर पे एक ही लहंगा है ना। बोए 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 भाई भाई, ये मोए मोए नहीं था, ये मोर मोर था भाई। इंडिया में आके ये हो गया मोए 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 भाई। गजब यार, गजब यार, गजब। ओ भाई, ओ अब समझ आया भाई क्या खेला था भाई। इसलिए देखे भाई, हम भी इधर इधर जानता भाई। देखो देखना देखना, पागल औरत देखना देखना भी देखना। दिमाग खराब कर देते भाई, कहीं भी नाचना चालू कर देते, कहीं भी। इधर साइड से डाला जाएगा कि कैसे डाला जाएगा? मुझे नहीं पता, आपको बताना चाहिए ना। पीछे से डाला जाता है क्या? नहीं, आगे से। अबे मेरे को नहीं डालना हो रहा है ये तो, क्योंकि टेढ़ा है ये देखना, ये इस तरीके का है, ये सीधा भी नहीं है। इसको ऐसे डालते हैं इधर से। ओ नहीं नहीं नहीं, तेरे लग जाएगा। नहीं लगेगा, आप दो ये बाल ऐसे कर भाई, मेरे को लग रहा तेरे लग जाएगा। मुझे ये जा ही नहीं रहा ये। नहीं ना, ओ एक निब्बा निब्बी का अलग ही खेला चल रहा है। अंदर 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 में डाल दो। रुक 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 रुक, रहने दे भाई, वापस नहीं आ पाएगा, वापस नहीं आ पाएगा। कोई अच्छा चीज नहीं था इसमें, मजा नहीं, समझ नहीं आया। समझ आया पर वो चीज खेला ले, छोड़ बेटा। कैसे आएगा पीयूष जोशी? अरे वापसी नहीं आ पाएगा, ये काम मत कर। नहीं, ये रूट के भाग गया। रुको कुनाली, ले भाई छोटो यार, आप बहुत भाई, ये नीपर लोग खतरनाक है भाई। भाई ये देसी टार्जन का गाना है भाई, टार्जन मूवी में ये वाला गाना डालना था, बेस्ट होता, मजा आता है यार। टार्जन हो तो इसी के साथ हम लोग ये वीडियो को यहीं पर विराम करते, मिलते हैं प्यारी वीडियो में और भी कमाल की वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।